वहां कीर्तन हो रहा था। तो कृष्ण का माँ का टेंट, माँ तो वहां है सुबह में आएगी। हम लोग खड़े थे, कृष्ण को पूछा था कोई खाली एक टेंट के जाओ कहीं वहां रहो, तो हम तक खड़ा रहते उसमें माँ बाहर आई उसी वक्त आए। तो हमने खास प्रणाम किया तो साथ कोई था, तो बस बोला के अभी आया है, तो बोला कल स्नान है। एक स्नान था वो, उसमें माँ के लिए बजरा बड़ा बोट तैयार किया था, तो सब लोग को साथ में आ जाना। तो ठीक है, जब सामान देखा तो हमारे जो हमारा कपड़ा का बैग सूटकेस जैसा था, लोहा का ट्रंक सूटकेस कहाँ हो, वो रह गई थी अंदर, टांगा के अंदर रह गई थी। तो टंगा वाला चला गया था, वो सूटकेस अंदर रह गई थी। तो मैं कोई गई तो गई, आई वाज नॉट वरिंग, हमारी एक कपड़ा है, दूसरा तो बस दो से चल जाएगा। दूसरे दिन माँ के साथ में स्नान में गए, वो स्नान भी किया, और दूसरे दोपहर में माँ बनारस चली गई, बस इतना ही वहाँ का। तो हमारा मित्र कहते वो टांगा के लिए हम लोग तलाश करें। मैं कहता इतना 5 लाख की बस्ती, 5 लाख का कुंभ का आदमी, वो टांगा वाला का नंबर नहीं है, कहाँ है का। मैं चलो एक बार जाए स्टेशन पर। तो स्टेशन पर गए तो उसने ही पूछा कि भाई हम लोग आए थे ऐसे परसों रात में, एक हम लोग का सामान रह गया था, देखो इतना बच्चा आया कि आपका बैग रह गया था। तो हमको बोला कि भाई इतना टांगा वाला, उस वक्त तो टैक्सी वैक्सी नहीं था, अरे इतना आदमी कुंभ का ये इसको बोल के, हाँ उसने कहा हाँ मर रह गया था। तो बोले मैं जानता हूँ, चलो इस टांगा दुकान उसके घर पे। तो उसके घर पे गए तो टांगा वाला जैसा रहता मोहल्ला में वहाँ रहता, तो बोला कैसा ऐसा है। तो बोला हाँ वो तो नहीं है, 4-5 आदमी इकट्ठा हो गया। खैर वो क्या है, कुछ आया है ना छोटा से, लेकिन आपका है उसको प्रमाण क्या है। उन्होंने बोला इसका रंग का वह है, उसके अंदर इतना इतना कपड़ा है, और तो कुछ है नहीं। तो उसको खोला तो वही मिल गया। तो सब लोग हमने बोला उस समय मित्र कुछ 20 रुपया कुछ दे दिया, तो लेकर आ गया। पीछे हम लोग चलो अभी यहाँ तो क्या करेगा, बनारस जाए। अच्छा। तो मेला स्पेशल में गए। हाँ। तो वो भी रात में 1:30 बजे पहुँचा। अच्छा। तो उस भी वक्त कुछ को पूछा ना कि माँ का आश्रम कहाँ है। अच्छा। हमारा तो दिमाग था ही नहीं कहाँ आश्रम है। हाँ। कैसे जाना होता है। हाँ। तो हमने बोला वो एक बेंच रहता है ना प्लेटफॉर्म पर, हाँ। वहीं सो जाएगा। अच्छा। वहाँ सो गया। मेला स्टेशन स्पेशल में तो लाइट वाइट नहीं रहती ऐसे ही। तो सुबह में मैं दातुन अपना करता था, तो उसमें खादी का वो जो अलखला जैसे एक पंजाबी और धोती और काला जैसा रंग था हमारे पास आकर के, आप गुजराती है कि। तो मैं बोला कि ये इतना आदमी कि हमको कुछ, मैं कहता आप कहाँ जाएगा, उसने कहा आप कहाँ जाएगा, मैं कहता मां में आश्रम में, मैं कहता आप जानते हैं, हाँ मैं जानता हूँ मैं तो माँ का ये आश्रम में रहता हूँ। ओके आश्रम में कहाँ, तो भीमपुरा में भी रहता हूँ, यहाँ भी रहता हूँ सब, ठीक है। तो बोला कि मैं आपको एक रिक्शा कर दूंगा, ठीक है चलो। चलो जब हम लोग 5-6 बजे उजाला हुआ तो उसने रिक्शा कर दिया, उसको इतना पैसा देना। हमने बोला भाई एक आदमी का नाम तो पूछे, तो आपका नाम क्या था, तो हमको गोपाल कहते, किसी को बोल देना कि हम तो गोपाल है, आश्रम में जानते हैं सब लोग। हम बोला कि तो आपने, मैं तो जानता नहीं, वो तो आश्रम में रहते होगा कोई। माँ गए आश्रम में, माँ को एक दिन पीछे वो जगह पर देख कर आए,
पीछे हमको याद आया, मैं वो गोपाल यहाँ कोई आता है, यहाँ तो कोई गोपाल है नहीं, भीमपुरा में कोई गोपाल रहते हैं, भीमपुरा में तो कोई है ही नहीं थे, मैं तो कोई माने व्यवस्था कर दी होगी ऐसी। वो तो पहला कमा का फेज में हो गया, पीछे माँ के पास आते जाते रहे।